सिंबल पर चुनाव लड़ने में बिना सिंबल पर चुनाव लड़ने की फर्क है जी। एक सिंबल पर चुनाव लड़ने का एक सीमित वोट होता है, एक सीमित जाति का, सीमित व्यक्ति का, एक समाज का वोट होता है, लेकिन बिना सिंबल का लड़ने के लिए सभी मार्केटिंग टूट जाती है। इस चिरैया विधानसभा को मैं बिहार के दर्जे में सबसे एक नंबर के रखना चाहता हूं, अव्वल रखना चाहता हूं। नमस्कार, मैं कल्याण स्वरूप द बिहार मेल के लिए, द बिहार मेल की टीम आज चिरैया में है। चिरैया वो सीट है जहां पे अब की बार 24 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, लेकिन अब की बार का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। अब की बार पूर्व विधायक यहां के जो उपचुनाव में जीते थे वो निर्दलीय हो गए हैं और राजद की तरफ से एक नए उम्मीदवार है, वहीं बीजेपी के लाल बाबू गुप्ता है। लक्ष्मी नारायण यादव की जो भूमिका रही है इस क्षेत्र में, समाजवादी छवि के नेता रहे हैं और 35 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और चिरैया और मोतिहारी की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। सीधे सवाल हम इन्हीं से पूछते हैं कि अब की बार आप पार्टी से नहीं हैं, कैसा है ये चुनाव? चुनाव में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, सिंबल लड़ रहा है, दूसरी तरफ जनता लड़ रही है। तो हम लोग की तरफ से जनता लड़ रही है, यानी मतदाता लड़ रही है, और मतदाताओं में उमंग है, और ऐसा उमंग है कि जैसा समझिए कि 2000 में जो लहर चला था जब निर्दलीय हम चुनाव लड़े थे, वो शाही लहर है। और जनता यह समझ रही है कि टिकट भले कोई किसी को दे दिया हो, लेकिन जो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं हम वोट उसको देंगे, जो हमारे दुख सुख में भाग लेता है हम वोट उसको देंगे, जो हमारे लिए लड़ता है सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पर हम वोट उसको देंगे। इसलिए माहौल बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये क्या फ़र्क है एक सिंबल पे चुनाव लड़ने में और बिना सिंबल के चुनाव लड़ने में? सिंबल पर चुनाव लड़ने में बिना सिंबल पर चुनाव लड़ने की फ़र्क है जी। एक सिंबल पर चुनाव लड़ने का एक सीमित वोट होता है, एक सीमित जाति का, सीमित व्यक्ति का, एक समाज का वोट होता है, लेकिन बिना सिंबल का लड़ने के लिए सभी मार्केटिंग टूट जाती है और सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग इसमें भाग लेते हैं। और वह फायदा हमको मिल रहा है कि जो लोग लालटेन के टिकट पर हम लड़ रहे थे, जो वोट नहीं दे रहे थे, वह बड़े खुशी खुशी से हमको वोट दे रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हमको टिकट से ज़्यादा अच्छा बिना टिकट का लग रहा है। इलाके में जो समस्या है वो किसानों की समस्या है, तो किसान का जो फसल दह जाता है या सूखा आ जाता है, उस दिशा में क्या काम होना चाहिए? हम किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़े हैं। हम विधायक रहे थे तब, नहीं रहे थे तो पहले भी हम जो आंदोलन करते थे उसमें किसानों के लिए हम काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े, खाद बीज के में सुधार के लिए और फसल का उचित मुआवजा मिले, मूल्य मिले सबके लिए। लेकिन अभी का जो स्थिति है बहुत बद से बदतर है, और मैं पुनः विधायक बनूंगा, मैं पूरा विधायक चुना जाता हूं, तो सब इस पर पूरा पूरा मेरा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा। आप नौजवानों के बीच खेल के लिए, खेल का जो कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, उसमें भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो इन लोगों के लिए क्या कार्य होगा? इसलिए इन लोगों के लिए भी काम, देखिए मेरे जीतने के बाद हम चाहेंगे कि चाहे वह किसान कृषि के क्षेत्र में हो, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, फिर नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो समस्या है उसको हम बढ़ चढ़ करके उसको निपटाने का काम करेंगे, और ख़ास करके नौजवानों के लिए रोज़गार मुहैया करवाने का काम करेंगे, और खिलाड़ियों के लिए खेल के लिए स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे, और विद्यार्थियों के लिए जो अपने विधानसभा के अंदर में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज स्थापित करवाने का काम करेंगे। और इन सारी बातों के साथ साथ मैं सबसे पहले अपने जनता का मान सम्मान प्रतिष्ठा को ऊंचा रखना चाहता हूं। इस चिरैया विधानसभा को मैं बिहार के दर्जे में सबसे एक नंबर के रखना चाहता हूं, अव्वल रखना चाहता हूं, और उसमें हमारी जो मतदाता है, हमारी जनता है, वो बढ़ चढ़ करके हमको मदद कर रही है, और मुझे विश्वास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अपने 2000 का जो रिकॉर्ड था निर्दलीय का, उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं। इतने सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, आपकी लड़ाई किनसे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, यह जनता से लड़ाई है। जनता लड़ रही है, जब जनता से लड़ाई कौन लड़ सकता है? जनता से लड़ाई किसी का नहीं हो सकता है, मतदाता से लड़ाई किसी का नहीं हो सकता है। एक तरफ टिकट है, कोई दूसरे लोग हैं,
पैसा लड़ रही है, लेकिन मेरे तरफ से हमारी जनता हमारी मतदाता लड़ रही है, इसलिए हमारा किसी से लड़ाई नहीं है और न किसी से बहुत बड़ा मुकाबला है, न टक्कर है। हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है, जनता सर्वोपरि है। टिकट किसी ने दिया लेकिन जनता और मतदाता सर्टिफिकेट मुझे देगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। एक आखिरी सवाल हो, अभी जो चुनाव है और चुनाव में आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे तो ऐसा रिस्पांस मिल रहा है कि जो लोग बीजेपी को वोट दिया था 2015 में, वो लोग खुशी खुशी आज का हमको वोट दे रहा है और दे नहीं रहा है, कहीं सिक्का से, कहीं लड्डू से, कहीं कुछ में से मैंने तोड़ने का भी प्रयास कर रहा है। कल बेतौना में था, एक दिन माधोपुर में था, आज सेमरा में दो जगह है, फिर पटझिलवा में दो जगह है, चिरैया बाजार पर, यानी जो भाजपा का वो भी वोट दिया है, वे लोग बहुत खुशी से हर्ष उल्लास के साथ मेरे साथ आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, और केवल मान सम्मान के लिए, चिरैया के मान सम्मान बचाने के लिए सभी लोग एकत्रित है, एकजुट है।